डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स सिंपल ट्रिक के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर फॉर बेस लेसर देन 10। एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर फॉर बेस लेसर देन 100 एंड फॉर बेस हायर देन 10, राइट। इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर फॉर बेस लेसर देन 1000 एंड फॉर बेस हायर देन 100। दैट क्लियर? सो लेट अस सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर फॉर लेसर देन बेस 1000। ओके, पहला मॉडल एग्जाम्पल हम देखते हैं। मल्टीप्लाई 994 बाय 986, 994 इंटू 896। ओके, अब बेस क्या लिया हमने, लेसर देन 1000, तो माइनस 1000 किया। अब 994 माइनस 1000 क्या हो जाएगा, 994 माइनस 1000 क्या होगा, ये देखिए, ओके, 994 माइनस 1000 इज माइनस 6, और 896 माइनस 1000 क्या होगा, माइनस 104। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस 6 और माइनस 104 का, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होगा, तो इट इज 624, 64 जाए 24 और 61 जाए 6। इज दैट क्लियर? अब बेस लेसर देन 1000 होने की वजह से राइट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन जो है इट मस्ट बी थ्री डिजिट, तो ये 624 थ्री डिजिट में है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर टू डिजिट में होता तो उसको आगे में जीरो लगाना, जोड़ना है। ओके, सो आप देखिए क्रॉस में लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 994 और 104, इनका 994 माइनस 104 करेंगे तो कितना आएगा, 990, 890, राइट, 896 माइनस 6, 890, तो ये 890 आ गया, तो ये फाइनल हो गया। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट देन, 994 इंटू 896 इज इक्वल टू 890624, ये 890 और 624 ये आ गया। Exactly. अभी इसी के आधार पर हम दूसरा एग्जाम है, मल्टीप्लाई 98998 इंटू 994। अब देखिए 998 इंटू 994, सो माइनस 1000 करना है, ये आएगा माइनस 2 और ये आएगा माइनस 6, बराबर है, ये कितना होगा इनका मल्टीप्लिकेशन, प्लस 12, लेकिन हमें थ्री डिजिट चाहिए सो जीरो को प्रीफिक्स कर दिया, तो ये हो गया फाइनल। अब हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कोई भी एक क्रॉस लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ये कितना आएगा, 998 माइनस 6, ओके, तो 998 माइनस 6 कितना होगा, 992, दैट क्लियर? अब 992 ये फाइनल हो गया, दिस इज फाइनल। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 998 इंटू 994 इज इक्वल टू 992012, इज दैट क्लियर? सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब देखिए ये नेक्स्ट में क्या है, 877 इंटू 986,
माइनस 1000। ओके अब ये कितना आएगा, 877 माइनस 1000 इज 123 माइनस आएगा, और ये कितना आएगा 8986 माइनस 1000 माइनस 14। इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, 14 थ्री जाए 42, 4 कैरी करेंगे 14 टू जाए 28 प्लस 4 32, 3 कैरी करेंगे 14 वन जाए 14 प्लस 3 17। लेकिन जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा, हमको 3 डिजिट चाहिए खाली, तो ये हमारा फाइनल हो गया। और ये 1 जो है, दिस 1, ये हम कैरी करेंगे। ओके अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एक क्रॉस लो आप, 877 माइनस 14 कितना आएगा, ये 863, और ये 1 कैरी किया है आप, प्लस 1 कितना आएगा 864, और ये फाइनल हो गया। सो आंसर लिखते हैं 877 इंटू 986 इज इक्वल टू 864722, ये आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ये एग्जांपल इतना है, 991 इंटू 992। अब आपको ये फास्ट करने की आदत होना चाहिए, माइनस 1000 कर दिया, देखिए अब 991 माइनस 1000 माइनस 9 माइनस 8 बराबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 72, ये दो टू डिजिट है इसलिए जीरो कर दिया, तो ये हो गया एक का आंसर हमारा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, कोई भी एक ले लो, 991 माइनस 8 बराबर है, तो कितना आएगा ये 983 बराबर है, और ये भी फाइनल हो गया। सो कौन सा क्रॉस लिया हमने यहाँ पे, ये दूसरा भी ले सकते हैं, तो व्हाट इज आंसर नाउ, 991 इंटू 992 इज इक्वल टू, पहले तीन डिजिट है 983 और राइट हैंड साइड के है 072, ये फाइनल आंसर है। कितना जल्दी होता है। ओके सो हम अभी देखेंगे दूसरा एग्जांपल। तीसरा इतना है, 994 इंटू 993 लेट अस टू फास्ट माइनस 1000 बराबर है। अब ये कितना आएगा, 994 माइनस 1000 माइनस 6, और ये कितना आएगा माइनस 7, माइनस 6 माइनस 7 का मल्टीप्लिकेशन 42, जीरो लगा देंगे हम। ओके ये हो गया फाइनल, तीन डिजिट चाहिए इसलिए जीरो लगाया। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, कौन सा क्रॉस लेते, कोई भी ये लेते समझो, कितना है 993 माइनस 6, तो ये कितना होगा 987 बराबर है, ये फाइनल हो गया। सो व्हाट इज आंसर देन, 994 इंटू 993 इज इक्वल टू, पहले तीन डिजिट है 987 और राइट हैंड साइड के है 04, सो ये फाइनल आंसर होगा। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल, दिस कितना होगा, 997 इंटू 993 माइनस
थाउजेंड। हाँ अब यहाँ क्या आएगा, माइनस थ्री, यहाँ क्या आएगा माइनस सेवन, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा प्लस 21, लेकिन हमें तीन डिजिट चाहिए तो जीरो, ये होगा 021। इज दैट क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना है, कौन सा क्रॉस लेते हैं, 997 वाला, 997 माइनस सेवन, ये कितना आएगा 990, ये फाइनल होगा। सो व्हाट इज फाइनल आंसर देन, 997 इंटू 993 इज इक्वल टू, पहले तीन डिजिट है 990 और ये आएगा 021। इज दैट क्लियर? सो बराबर है। अब देखते हैं हम ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स फॉर बेस हायर देन 100। ओके, अब हायर देन 100 का पहला मॉडल एग्जांपल, मल्टीप्लाई 107 बाय 112, 107 इंटू 112। अब माइनस 100 करते, 107 माइनस 100 प्लस 7, 112 माइनस 100 प्लस 12, अब इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 12 7 84। अब हायर देन बेस 100, बेस 100 है यहाँ पे, इसलिए हम टू डिजिट लेंगे, तो राइट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी टू डिजिट, बराबर है? तो ये हो गया। आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, वही क्रॉस 107, वहाँ पे माइनस नंबर था, अभी इसलिए प्लस नंबर है, तो एडिशन होगा 107 प्लस 12 और 112 प्लस 7, दोनों का आंसर 119 आएगा, 119 फाइनल हो गया आंसर। व्हाट इज फाइनल आंसर देन, 107 इंटू 112 इज इक्वल टू 119 84. This is actually, this is 4. Okay. 119 84. Is that clear? अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम, मल्टीप्लाई 162 बाय 103. ओके, अब देखिए यहाँ पे 162 इंटू 103 माइनस 100, 162 माइनस 100 प्लस 62, 103 माइनस 100 प्लस 3, इनका मल्टीप्लीकेशन हमको करना है, ये कितना है 3 2 6, 3 6 18 186, हमें कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, तो ये फिक्स हो गए और 1 को हम कैरी करेंगे इधर। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 162 क्रॉस प्लस 3, तो कितना होगा 165 प्लस, ये 1 को कैरी किया 1, तो कितना होगा 166, ये फाइनल होगा। सो व्हाट इज द आंसर देन, 162 इंटू 103 इज इक्वल टू 16686। यार
Okay, so let us see next income. -100 आएगा +6 आएगा +31। इनका मल्टीप्ली करना 6 1 6 6 3 18। सो टू डिजिट चाहिए, ये फिक्स हो गया और वन को हमने कैरी किया इधर, और इधर करेंगे 106 + 31 क्रॉस लिया तो बराबर है, ये आएगा 137 प्लस वन कैरी किया यहाँ पे, तो ये आएगा 138 बराबर है, ये फाइनल होगा। सो व्हाट इज फाइनल आंसर देन, 106 × 131 इज इक्वल टू 138 और इधर टू डिजिट 86। सो दिस इज फाइनल आंसर, इज दैट क्लियर? अब देखिए ये 102 × 103 -100, इट इज +2 + 3, इनका मल्टीप्लीकेशन +6। अब यहाँ पे दो डिजिट चाहिए तो एक जीरो ले लिया मैंने, 06 हो गया। ओके, मल्टीप्लीकेशन किया। अब इधर देखिए 102 + 3 = 105, दैट इज फाइनल, कैरी करना ही नहीं है। सो व्हाट इज फाइनल आंसर, 102 × 103 इज इक्वल टू 10506। अब देखिए 142 × 102, ओके -100, ये आएगा +42 आएगा +2, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा इतना 42 × 2, 2 2 4, 2 4 8, टू डिजिट चाहिए, टू डिजिट है। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड देखना है, 142 + 2 कितना आएगा, इट इज 144 फाइनल हो गया, या 102 + 42 किया तो भी 144 आएगा, एंड देयरफॉर व्हाट इज आंसर, 142 × 102 इज इक्वल टू 144 और 84। Is that clear? अब देखिए 152 × 103 -100, यह आएगा +52, यह आएगा +3, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन, थ्री टू जाए 6 और 3 5 15, हमें टू डिजिट चाहिए, सो वन को कैरी करना है, वन को कैरी करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये क्रॉस लेंगे हम, ठीक है, कितना आएगा 103 + 52,
कितना होगा 155 प्लस 1, ये 1 कैरी किया, 156. सो व्हाट इज आंसर देन, 152 इंटू 103 इज इक्वल टू 15656. अंडरस्टैंड? सो दिस इज, सो इन दिस वे दिस इज अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग टेक्निक्स फॉर डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट्स और बेस लेसर देन 100 और बेस हायर देन लेसर देन 1000 और बेस हायर देन 100. इज दैट क्लियर? इफ यू लाइक दिस वीडियो सो यू काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर इट. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 7387708332. ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.